वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये जो इसरो की जो वैकेंसी आई हुई है IPCER वाला, तो उसमें जो एग्ज़ाम सेंटर है वो नहीं दिया गया था और उसमें काफ़ी लोग का भी डाउट था कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो क्या फिलअप करना है और उनके जो सिटी के अनुसार उनको कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन दिया गया है, तो वो आपके वेबसाइट में अभी डाउनलोड नहीं हो रहा था। बाकी अभी फॉर्म फिलिंग जब स्टार्ट हो गया है तो वहाँ पर एनेक्जर बी करके ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ पर PDF दिया गया है और वहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है कि एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस वीडियो में हम लोग वही देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन है और जो लोग भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सारा उसका प्रोस्पेक्टस के बारे में डिटेल में जो नोटिफिकेशन है कि जो जो लोग एलिजिबल है उसको फिलअप कर सकते हैं, तो जो लोग फिलअप कर रहे हैं तो उनको क्या एग्जामिनेशन सेंटर डालना है इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 14 टोटल जो है एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, जिसमें से आप एक नंबर देख सकते हैं कि अहमदाबाद है, फिर बेंगलोर है, फिर भोपाल है, फिर चेन्नई है, फिर देहरादून है, फिर दिल्ली है, फिर गुंटूर है, फिर गुवाहाटी है, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, तिरुवनंतपुरम और तिरुनवेली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो लोग भी जिसे आपका जो सिटी नज़दीकी पड़े तो वहाँ पर वो एग्ज़ाम सेंटर जो है फिलअप करना है। और यहाँ पर नीचे में एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप अगर दोबारा इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आज कुछ और दे दिया और फिर बाद में हुआ कि नहीं मुझे ये देना है तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए सोच समझ कर आपका जो नज़दीकी सेंटर पड़े वो आपको सेंटर देना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बाकी अगर वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ओके, चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।